इसलिए रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, स्पैनिंग ट्री स्टेट्स की बात कर रहे हैं। स्पैनिंग ट्री स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिस्निंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। तो देखो, एक पोर्ट जब भी आप पाता है वो कौन सी स्टेट से आप पाता है? ब्लॉकिंग से सीधा किसमें आया था? लिस्निंग में। लिस्निंग के बाद वो 15 सेकंड के बाद जाता है लर्निंग में, 15 सेकंड के बाद वो आ जाता है तुम्हारी फॉरवर्डिंग स्टेट में। ठीक है ना, पोर्ट सबसे पहले किस स्टेट में जाता है? लिस्निंग में, फिर जाता है वो लर्निंग में, फिर उसके बाद चला जाता है फॉरवर्डिंग में। कितने टाइम के बाद? 30 सेकंड के बाद। सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं फॉरवर्डिंग में आने के लिए। इतना क्लियर है? कल हमने क्या डिस्कस किया था? स्पैनिंग ट्री स्टेट्स। इतना क्लियर है? अब देखो, अब हम एक चीज, जो हमारा बीपीडी नॉर्मली जाता है, जो रूट बेस्ड बीपीडी भेजता है, और बाकी के स्विचेस क्या करते हैं? उसी बीपीडी को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एडिट कर देते हैं। क्या एडिट कर देते हैं? अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, रूट आईडी वही रहती है। यही होता है ना, जब बीपीडी हमारा इस स्विच से फ्लो करेगा इसके ऊपर, अगर तुम्हारा रूट ब्रिज है यहाँ से लेके यहाँ तक, रूट आईडी भी सेम रहेगी, ब्रिज आईडी भी सेम रहेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इस स्विच की होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सारी इन्फॉर्मेशन इस स्विच की आ जाएगी, बट रूट आईडी क्या रहेगी? वही थी जो थी। तो बीपीडी हमारा एक्चुअल में भेजता कौन है? रूट ब्रिज। और वही बीपीडी कहाँ होता है? आगे फॉरवर्ड, बाकी के स्विचेस पे वही बीपीडी फॉरवर्ड होता है ना तुम्हारा, वही बीपीडी फॉरवर्ड होता है। जो ये बीपीडी जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशन बीपीडी। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशन बीपीडी। अब देखो, हमारे कुछ टाइमर्स होते हैं। टाइमर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम अब डिस्कस करने वाले हैं स्पैनिंग ट्री टाइमर्स। टाइमर्स हमारे होते हैं हेलो टाइम, 2 सेकंड्स का होता है, एक होता है फॉरवर्ड डिले। फॉरवर्ड डिले तुम्हारी बुक्स में लिखा होगा 15 सेकंड, बट फॉरवर्ड डिले टोटल हमारा कितना होता है? 30 सेकंड। फॉरवर्ड डिले जो 15 सेकंड बता रहा है वो एक स्टेट के बारे में बता रहा है, लिसनिंग का और लर्निंग का एक के बारे में बता रहा है, दोनों के बारे में नहीं बता रहा। तुम्हारी बुक्स में फॉरवर्ड डिले कितना लिखा होगा? 30 सेकंड्स। कितना होगा? 30 सेकंड्स। उन 30 सेकंड का मतलब है कि जो तुम्हारे 15 सेकंड है वो यहाँ लिसनिंग के, लर्निंग के दोनों के बता रहा है, अलग अलग बता रहा है। समझ में आया? फॉरवर्ड डिले लिसनिंग का 15 अलग है, लर्निंग का 15 अलग है। तो टोटल फॉरवर्ड डिले तुम्हारा कितना होता है? वैसे 30 सेकंड होता है। और हमारा जो इसके बाद है मैक्स एज, मैक्सिमम एज कितनी होती है हमारी? 20 सेकंड्स। ठीक है, ये 3 टाइमर यूज होते हैं हमारे स्पैनिंग ट्री में। हेलो टाइम का मतलब क्या है कि एक बार जब रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया, हर 2 सेकंड के बाद रूट ब्रिज तुम्हारा कॉन्टिन्यूसली क्या फॉरवर्ड करता है? हेलो फॉरवर्ड करता रहता है। उसके बाद फॉरवर्ड डिले, फॉरवर्ड डिले का मतलब क्या है? जब भी तुम्हारा पोर्ट कोई डिसेबल स्टेट से या शटडाउन से अप आता है तो वो 30 सेकंड किस में जाता है? लिसनिंग लर्निंग में। फिर वो जाता है किस स्टेट में? फॉरवर्डिंग में। पहले 30 सेकंड वो किस में स्पेंड करता है? तुम्हारी लिसनिंग लर्निंग में। फिर वो किस स्टेट में जाता है? फॉरवर्डिंग स्टेट में। अब मैक्सेज का मतलब समझते हैं कि मैक्सेज बेसिकली होता क्या है। अब देखो, इस केस को समझना ध्यान से। तुम्हारा क्या है? स्विच 1 है, ये 2 है और 3 है। 1 1 2 2 2 और 1। इस केस को समझो ध्यान से। इसमें क्या होता है देखो, फॉर एग्जाम्पल स्विच 1 से बीपीडी आ रहा है इस तरह से, ये पोर्ट क्या है? ब्लॉकिंग। और यहाँ से बीपीडी आ रहा है एक, इस तरह से बीपीडी रिसीव हो रहा है ना। स्विच 3 के लिए बेस्ट बीपीडी कौन से पोर्ट पे है? 2 पे 1 पे। 1 वाले पे होगा ना बेस्ट बीपीडी, 1 पे होगा। क्यों? क्योंकि 1 क्या है? उसका रूट पोर्ट है। जो रूट पोर्ट होगा उसको, वो वहाँ पे मेरा बीपीडी क्या होगा? हमेशा बेस्ट वाला। ये ब्लॉकिंग है ना, इस पे जो बीपीडी आ रहा है वो कितनी कॉस्ट के साथ आ रहा है? 0 के साथ। इस पे जो बीपीडी आ रहा है कितनी कॉस्ट के साथ आ रहा है? 19 के साथ। ठीक है ना, उसमें मैं अपने पोर्ट की ऐड करके 19 कर लूँगा, इसमें ऐड करके 38 कर दूंगा, यही होगा ना। अब बेस्ट बीपीडी कौन सा है? ये वाला बेस्ट बीपीडी का मतलब इस तरफ से मैं किसकी तरफ रीचेबल हूँ? रूट ब्रिज तक। अब मे बी देखो क्या हुआ, ड्यू टू सम रीजन इस लिंक के ऊपर वो बीपीडी आना हो गया बंद, बट बीपीडी अभी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे तो बीपीडी आ ही रहा है। कितनी कॉस्ट के साथ? 19 वाला। जो 0 कॉस्ट वाला था वो आना हो गया बंद। जो तुम्हारी ये लाइन प्रोटोकॉल है ना, केवल लाइन प्रोटोकॉल तुम्हारी अप है, बट बीपीडी नहीं आ रहा। तुम्हारी लाइन प्रोटोकॉल पे कोई इशू नहीं आया, तुम्हारा लिंक स्टेट में है, फॉरवर्डिंग स्टेट में, मतलब तुम्हारा जो लिंक है वो अप है, वो डाउन नहीं हुआ, बट किसी रीजन की वजह से तुम्हारा बीपीडी नहीं आ पा रहा। मे बी कुछ भी रीजन हो सकता है, मेरा बीपीडी नहीं पहुंच रहा मेरे तक। उस केस में क्या होगा? जो ये स्विच है, स्विच क्या करेगा? 20 सेकंड्स तक करेगा वेट। किसका? बेस्ट बीपीडी का। किस पोर्ट के ऊपर? इस पोर्ट के ऊपर।
इस पोर्ट के ऊपर वो क्या करेगा, बेस्ट बीपीडू का वेट करेगा कितने टाइम तक, 20 सेकंड तक। फॉर एग्जांपल बीपीडू नहीं आ रहा, 20 सेकंड तक वेट करता रहेगा कि यहाँ पे वो बीपीडू आ जाए। बट देखो अब 20 सेकंड अगर तुम्हारे खत्म हो गए हैं, उसके बाद मेरा बीपीडू यहाँ पे मिल रहा है ना, अब देखो अगर मुझे यहाँ से बीपीडू नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं यहाँ से रूट ब्रिज की तरफ रीच ही कर नहीं सकता। यस और नो? अगर मेरे पास बीपीडू नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि अब उस पोर्ट से स्विच 3 को क्या लगेगा, अब पोर्ट नंबर 1 से रूट ब्रिज रीचेबल है ही नहीं है। चला पता? तुम्हारे पोर्ट नंबर 1 पे जब बीपीडू आना बंद हो जाएगा तो तुम्हारे स्विच 3 को क्या लगेगा कि उस पोर्ट के ऊपर, उस पोर्ट के थ्रू मैं रूट ब्रिज को पास जा ही नहीं सकता। रूट ब्रिज मुझे कहाँ से रीचेबल था, 1 से, बेस्ट पाथ वही था ना, अब मुझे लगेगा वहाँ से जा ही नहीं सकता। तो बीपीडू मुझे कौन से इंटरफेस पे मिल रहा है, 2 पे, तो मुझे लगेगा कि यार यहाँ से बीपीडू आ रहा है, यहाँ से मैं रूट ब्रिज की तरफ जा सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पोर्ट को क्या बना दूंगा, अपना रूट पोर्ट। क्या बना दूंगा इस पोर्ट को, अपना रूट पोर्ट। और ये भी लिंक तुम्हारा किस स्टेट में रहेगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में। देखो अब रूट पोर्ट मेरा ये बन गया, तो ये पोर्ट था पहले, रूट पोर्ट था ना, अब ये बन जाएगा डीपी, ये डीपी बनेगा। क्यों डीपी बना, अब देखो अब मुझे बीपीडू मिलेगा यहाँ से, तो ये पोर्ट मेरा अप है, तो इस पोर्ट में मैं क्या सेंड करूंगा, रूट ब्रिज से लिया बीपीडू दोबारा किसके ऊपर, रूट ब्रिज के ऊपर। ये एक इशू होता है, समझ में आ रहा है ये, बेस्ट बीपीडू मतलब कि मैक्सेज का मतलब समझ में आया। अगर किसी लिंक के ऊपर बीपीडू हो गया मिसिंग, जो रूट मेरा बेस्ट बीपीडू था, रूट पोर्ट पे आना बनता ना मेरा बेस्ट बीपीडू, रूट पोर्ट पे मेरा बेस्ट बीपीडू नहीं आ रहा, तो कितने टाइम तक वेट करूंगा, 20 सेकंड तक। 20 सेकंड के बाद जो मुझे कहीं और से अगर बीपीडू मिल रहा है, उस पोर्ट को मैं क्या कंसिडर कर लूंगा, अपना रूट पोर्ट। और फिर मैं उस पोर्ट से क्या करूंगा, फॉरवर्डिंग कहां तक, रूट तक। इतना क्लियर है? ये होता है हमारा मैक्सेज। फॉर एग्जांपल अगर क्या होता, अगर मैं इस लिंक को क्या कर दूं शट डाउन, तो मेरा स्विच कितने टाइम तक वेट करेगा, नहीं करेगा, फिर वो इमीडिएटली इसको क्या बना देगा, रूट पोर्ट। अगर देखो तुम्हारा ये पोर्ट क्या हो चुका है, शट डाउन, तुम्हारा ये पोर्ट क्या हो चुका है, शट डाउन, तो तुम्हारे स्विच को पता ही है अब इसके पास कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं बीपीडू आने की, कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं है बीपीडू आने की। तो उस केस में वो इमीडिएटली दूसरे को क्या बनाना शुरू कर देता है, रूट पोर्ट। अगर यहाँ पे बीपीडू नहीं आ रहा, कितने टाइम तक वेट करेगा, 20 सेकंड तक। फिर ये वाला पोर्ट ब्लॉकिंग में है, इसको किस स्टेट में लेके जाएगा, लिसनिंग में, फिर आएगा लर्निंग में, फिर आएगा फॉरवर्डिंग में। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाने में, 50 सेकंड। बट ये भी मेरा लिंक किस स्टेट में रहेगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो इस केस में क्या बन सकती है तुम्हारी, लूप, क्योंकि सारे के सारे लिंक फॉरवर्डिंग स्टेट में आ चुके हैं, लूप बन सकती है ना। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप गार्ड नाम की फीचर होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। क्या यूज करते हैं हम, लूप गार्ड। ये देख ये भी फॉरवर्डिंग में है और ये भी रूट पोर्ट बन गया, कोई ब्लॉकिंग है, तो वो ब्लॉक थोड़ी होगा, वो अप ही रहेगा, वो फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा। अगर तुम इसको शट डाउन कर देते हो, अगर ये इंटरफेस क्या कर दिया, मैंने शट डाउन कर दिया, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, अगर इस पोर्ट को मैंने क्या कर दिया तुम्हारा शट डाउन, ये पोर्ट अगर मेरा शट डाउन हो गया, तो इस केस में सिस्ट्री को पता ही है अब इसके ऊपर बीपीडू आना ही नहीं है, तो 20 सेकंड तक वेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर पोर्ट वो एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन हो चुका है, तो तुम्हारे आर3 को पता है कि कब नो शट डाउन होगा, नहीं ना पता। अब तुम्हारा इंटरफेस डाउन जा चुका है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो आर3 वेट करेगा, आर3 इस केस में वेट नहीं करेगा। कब वेट करेगा 20 सेकंड तक, जब लाइन प्रोटोकॉल अप रहेगी बट बीपीडीयू नहीं आएगा, इस केस में वो वेट नहीं करेगा और इस पोर्ट को क्या बना देगा, वो नया रूट पोर्ट। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया इतना? मैक्सेज का मतलब समझ में आया क्या होता है, मैक्सेज का मतलब क्या है, अगर किसी पोर्ट में बीपीडीयू नहीं आ रहा, तो उस पोर्ट में मैं कितने टाइम तक वेट करूंगा, 20 सेकंड्स तक। अगर सिमिलरली देखो, अगर ये है, अब तो ये रूट पोर्ट था, अगर ब्लॉकिंग, अगर ब्लॉकिंग वाले पे बीपीडीयू आना बंद हो जाए, तो मैं कितने टाइम तक वेट करूंगा, 20 सेकंड तक। उसके बाद ये पोर्ट क्या आ जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में, क्योंकि जो स्पैनिंग ट्री का बीपीडीयू वहां पे आ रहा था, उसी की वजह से तो वो क्या था, ब्लॉकिंग स्टेट में। अगर वहां पर भी बीपीडीयू आना बंद हो गया, 20 सेकंड के बाद एक स्टेट में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में, तो भी क्या बनेगी तुम्हारी, लूप। समझ में आ रहा, 20 सेकंड तक वेट करूंगा, अगर 20 सेकंड तक यहां पे बीपीडीयू नहीं आया, इसका मतलब कि इस पोर्ट को मैं स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा। जिस पोर्ट पे मुझे बीपीडीयू नहीं मिल रहा, उस पोर्ट के ऊपर मैं कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकता हूं? स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म किसके बेसिस पे होती है, बीपीडीयू पे। अगर किसी पोर्ट में बीपीडीयू आ रहा है, फिर इस पोर्ट के लिए मैं स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन करूंगा ना, उसके रोल कैलकुलेट करूंगा। अगर यहां पर मेरे पास बीपीडीयू आ रहा था, तो ही मुझे पता चल रहा था कि किस स्टेट में रखना है, ब्लॉकिंग में। अगर बीपीडीयू आना ही बंद हो गया, तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने क्या कर दी, कैलकुलेशन परफॉर्म बंद कर दी, तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर। उस केस में भी क्या बनेगी तुम्हारी, लूप बनेगी। तो उसको कौन अवॉइड करता है, तुम्हारा लूप गार्ड, वो आगे आएगा काफी अभी।
अभी मैंने तुम्हें सिर्फ क्या समझाया, मैक्सेज का मतलब, मैक्सेज क्या होता है मतलब होल टाइम है, ये एक हिसाब से क्या है होल टाइम है, मुझे बीपीडी नहीं आ रहा कब तक वेट करूंगा, 20 सेकंड तक होल्ड करूंगा बस। उसके बाद जिस लिंक पे बीपीडी आना मिसिंग हो चुका है ना, आना बंद हो चुका है, वो पोर्ट पर आ जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेटस के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा वो? फॉरवर्डिंग स्टेटस के अंदर आ जाएगा वो। इतना क्लियर है? टाइमर समझ में आया सबको? हेलो टाइम क्या होता है? रूट ब्रिज हर 2 सेकंड के बाद क्या भेजता रहता है? बीपीडी। 30 सेकंड कब लगते हैं? जब कोई पोर्ट डाउन स्टेट से अप आता है तो पहले वो किस में जाएगा? स्पैनिंग ट्री लिसनिंग स्टेट में, फिर वो लर्निंग में जाएगा, उसके बाद वो करेगा डेटा फॉरवर्ड। तीनों टाइमर्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है और इंटर रिलेटेड भी नहीं है बिल्कुल एक दूसरे से, ये बात याद रखना। हेलो का मतलब रूट ब्रिज हर 2 सेकंड के बाद हेलो, मैक्सेज का मतलब वेट करूंगा 20 सेकंड तक अगर बीपीडी नहीं आ रहा। फॉरवर्डिंग डिले का मतलब कि अगर कोई पोर्ट डाउन से अप आता है लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग टाइम में, लिसनिंग लर्निंग में स्पेंड करेगा वो 30 सेकंड, उसके बाद वो किस स्टेट में जाएगा? तुम्हारी फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, एक होता है हमारा TCN BPDU, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन BPDU। अब देखो टाइमर्स की अगर बात करें, हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, ये हम आगे करेंगे जब स्पैनिंग ट्री कस्टमाइजेशन करेंगे ना, स्पैनिंग ट्री को की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए उस केस में हम यूज़ क्या करेंगे? स्पैनिंग ट्री टाइमर्स। बट अभी हमने क्या डिस्कस किया? स्पैनिंग ट्री की स्टेट्स क्या होती हैं और उसमें टाइमर कौन कौन से होते हैं, स्टेट्स पता चली कौन सी होती हैं और टाइमर्स का कौन कौन से होते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे तुम्हारा TCN BPDU क्या होता है, TCN नाम की चीज़ होती है BPDU वो क्यों यूज होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो एक स्विच है, तीन स्विचेस कनेक्टेड है आपस में, इंटरफेस नंबर 1, अब मेरा देखो 2 वाला पोर्ट किस स्टेट में है? ब्लॉकिंग स्टेट में। 2 वाला पोर्ट मेरा किस स्टेट में है? ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है ना ये वाला पोर्ट। अब एक चीज देखो, फॉर एग्जांपल मतलब ये टोपोलॉजी हमारी कन्वर्ज्ड है ऑलरेडी। अब देखो क्या होता है, अगर आपका कोई लिंक डाउन जाता है, अगर ये लिंक डाउन गया, मे बी लाइन प्रोटोकॉल डाउन चली गई, कोई रीजन लिंक फेलियर हो गया, या मतलब कि स्विच के पोर्ट से वो खराब हो गए, कुछ भी इशू आया, लाइन प्रोटोकॉल डाउन जाएगी ना इसकी, लिंक फेलियर होगा। लिंक फेलियर अगर बाई चांस आपका किसी भी रीजन की वजह से होता है तो क्या ये चीज़ रूट ब्रिज को पता चली है? देखो ये चीज़ रूट ब्रिज को कैसे पता चलेगी, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड लिंक थोड़ी फेल हुआ है। कौन सा लिंक कनेक्टेड जो है, स्विच 2 और 3 के बीच का लिंक फेल हुआ है ना, रूट ब्रिज को इसके बारे में कुछ पता है? नहीं पता। तो इस केस में क्या होगा, जो तुम्हारे स्विचेज होंगे ना वो एक बीपीडी जनरेट करेंगे और किसे भेजेंगे? वो रूट ब्रिज को। वो एक बीपीडी जनरेट करेंगे और किसे भेजेंगे? रूट ब्रिज को। और उस बीपीडी का नाम क्या होता है? टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडी। ये कौन से स्विचेज जनरेट करेंगे? नॉन रूट कॉन्फिगरेशन बीपीडी कौन जनरेट करता है? तुम्हारा रूट ब्रिज। और TCN BPDU तुम्हारे कौन जनरेट करेंगे? नॉन रूट स्विचेस। वो TCN BPDU भेजेंगे तुम्हारे स्विच 1 को, रूट ब्रिज को, बताने के लिए कि भाई हमारी टोपोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है। ये नहीं बताएंगे क्या चेंज हुआ है, बट यही नोटिफाई करेंगे दैट देर इज सम चेंज इन आवर टोपोलॉजी। क्योंकि वो चेंज किसने विटनेस किया है? हमारे स्विच 2 और स्विच 3 ने, इन दोनों ने वो चेंज विटनेस किया है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या फॉरवर्ड कर दिया है? एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन BPDU किसको फॉरवर्ड किया है? स्विच 1 को। अब स्विच 1 को क्या मिला है? TCN BPDU मिल गया। अब TCN BPDU मिलने के बाद स्विच 1 रिस्पॉन्स करेगा। स्विच 1 क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे? TCN BPDU मिलते ही स्विच 1 क्या करेगा? अपना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन BPDU सेंड करेगा। कौन सा BPDU सेंड करेगा? उसके अंदर एक फ्लैग्स होते हैं हमारे, फ्लैग्स के अंदर एक बिट होती है टोपोलॉजी चेंज बिट, उसको क्या करके भेज देगा? 1। उसको क्या करके भेजेगा? 1 करके भेजेगा। समझ में आया? सबसे पहले क्या हुआ, जो स्विच 2 और 3 के बीच में चेंज हुआ वो 2 और 3 ने किसको नोटिफाई किया? रूट ब्रिज को। कैसे? TCN भेज के।
और जो तुम्हारा स्विच वन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी क्या देगा, एक एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, भेजेगा अपना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी हुई, उसके अंदर एक टीसीएन नाम का फ्लैग होता है उसको क्या सेट करके भेजेगा, वन। अब क्या होगा अगर स्विच टू को वो वाला बीपीडी मिला और थ्री को वो वाला बीपीडी मिला, जिसके अंदर क्या होगा तुम्हारा टीसीएन फ्लैग सेट, तो स्विच टू और थ्री क्या कर देंगे, ये 15 सेकेंड के अंदर अपना कैम टेबल क्या कर देंगे, फ्लश। ये 15 सेकेंड्स के अंदर क्या करेंगे, अपना कैम टेबल फ्लश कर देंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी टोपोलॉजी में चेंज हुआ कुछ ना कुछ, तुम्हारी टोपोलॉजी में चेंज हुआ ना, तो रूट ब्रिज ये नहीं चाहता था कि बेसिकली तुम्हारे जो डिवाइसेस चल रहे हैं नीचे स्विचेस, वो गलत तरफ से मैक एड्रेस टेबल मेंटेन रखें। समझ में आ रहा है, वो ये तक जाते कि सभी के कैम टेबल क्या हो जाए, फ्लश, क्योंकि एक लिंक चेंज होने की वजह से सारी टोपोलॉजी चेंज होती है। यस और नो, मे भी देखो इस तरह की इस टोपोलॉजी में तो इतना कोई था नहीं, बट फिर भी क्या होगा अगर कोई टोपोलॉजी में कोई सिग्निफिकेंट लिंक डाउन जाता है तो उससे क्या होगा। चलो छोड़ो, टोपोलॉजी बनाता हूँ, प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ, पहले नॉर्मल प्रोसेस समझो फिर इसका केस बताऊंगा क्या हो सकता है इसमें क्या नहीं। अब इस केस को समझो ध्यान से, क्या हुआ मेरा जब लिंक डाउन गया तो स्विच थ्री और टू ने क्या किया, एक टीसीएन बीपीडी भेजा किसको, रूट ब्रिज को। रूट ब्रिज कौन है तुम्हारा, स्विच वन। जैसे उसको टीसीएन बीपीडी मिला, स्विच वन ने क्या जनरेट किया, एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी और उसके अंदर क्या कर दिया, टीसीएन फ्लैग क्या कर दिया, वन। जब स्विच टू और थ्री को वो वाला बीपीडी मिला तो क्या हुआ, स्विच टू और थ्री ने अपना कैम टेबल क्या कर दिया, फ्लश कर दिया। ठीक है, क्या अवॉइड करने के लिए, मैक एड्रेस टेबल करप्शन को अवॉइड करने के लिए, ताकि गलत डायरेक्शन से मेरे पास कैम टेबल एंट्रीज ना बने। फॉर एग्जांपल देखो, अगर इस टोपोलॉजी को समझो, अब इस केस में समझो, अगर सपोज करो स्विच वन के साथ एक राउटर लगा था, एक राउटर लगा था। अब देखो अगर स्विच फोर पे एक यूजर था और स्विच फोर के पास देखो ये मेरा रूट पोर्ट है। अब इस राउटर का मैक एड्रेस क्या है, 0A है। ठीक है, जब देखो मैं राउटर को पिंग करूंगा, ऐसे पिंग करूंगा, इसी डायरेक्शन में जाएगी, जब रिप्लाई आएगी वो भी इसी डायरेक्शन से वापस आएगी, क्योंकि ये वाला लिंक क्या है, ब्लॉक्ड है। समझ पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ से पिंग किया राउटर को, मेरी पिंग गई इस तरफ से, मतलब कि जो मेरा मैक एड्रेस है, सपोज इस पीसी से मैंने पिंग किया, इसका मैक एड्रेस क्या है, 0A, राउटर का क्या है, 0B। अब इस केस में समझो, जब राउटर इस डिवाइस ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया इस तरफ, तो सोर्स मैक क्या होगा, 0A। तो स्विच टू ने 0A का, स्विच टू ने मैक एड्रेस कहाँ पे लर्न कर रखा है, अपने इंटरफेस नंबर टू पे क्या लर्न कर रखा है, 0A लर्न कर रखा है ना। जब यहाँ से रिप्लाई वापस आई, स्विच टू ने वन पे क्या लर्न कर लिया, 0B, और स्विच फोर ने 0B कहाँ पे लर्न कर लिया, अपने वन पे। स्विच फोर ने 0B कहाँ पे लर्न कर रखा है, वन पे कर रखा है ना लर्न। अब फॉर एग्जांपल देखो, एक मिनट बस, अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मेरा ये वाला लिंक चला गया डाउन, और स्विच वन ने 0B कहाँ पे लर्न कर रखा है, वन पे, यहीं पे लर्न हुआ था ना 0B। अब मेरा ये वाला लिंक गया डाउन, अब देखो क्या अब स्विच फोर को पोर्ट नंबर वन से 0B रीचेबल है, नहीं है ना। अब कैम टेबल ये क्या है, करप्टेड है ना, गलत इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे ये लिंक डाउन गया, अब स्विच वन क्या है तुम्हारा, रूट ब्रिज है। अब क्या स्विच वन के पास टीसीएन जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे स्विच वन ने खुद ही वो चेंज क्या कर लिया है, नोटिस। समझ में आया, पिछले केस में जो चेंज हुआ था वो टू और थ्री के बीच में हुआ था, तो वो चेंज किसने नोटिस किया था, बाकी के स्विचेस ने, रूट ब्रिज को नोटिफिकेशन की जरूरत थी। इस केस में जो डायरेक्ट लिंक फेलियर हुआ है, तो रूट ब्रिज को पता है कि बेसिकली मेरा लिंक डाउन गया है, तो उसने क्या किया, इमीडिएटली सबको क्या कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी सेंड, जिसके अंदर उसने क्या कर दिया, टीसीएन फ्लैग को वन। तो वैसा करते क्या हुआ, सारे के स्विचेस ने अपना कैम टेबल क्या कर लिया, फ्लश। ये भी क्या हो गया, फ्लश, ताकि स्विच फोर के पास करप्टेड इन्फॉर्मेशन ना रहे। समझ में आया केस ये क्या था। अब अपनी अटेंडेंस बोलो जल्दी जल्दी। अब देखो इस केस में मेरे पास एंट्री थी यहाँ पर और ये वाला लिंक था डाउन। अगर स्विच फोर फॉरवर्डिंग करता है इस एंट्री की तरफ, तो उसका डेटा हमेशा क्या होगा, ड्रॉप ही होगा ना।
जीरो भी यहां पर है, अब यहां से ऊपर वाला लिंक डाउन है, अगर मैं यहां पे फॉरवर्डिंग करूंगा तो वो डाउन होगा कि नहीं होगा, मेरा डेटा क्या होगा, ड्रॉप होगा। स्विच फोर को तो पता ही नहीं है कि वो मैक एड्रेस गलत है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो जीरो बी का मैक एड्रेस मैंने कहाँ पे लर्न कर रखा था, यहाँ पर ये है जीरो बी। अगर ये पीसी फॉरवर्ड करता है तो स्विच कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, जीरो बी की तरफ, इस तरफ। अब ये लिंक तुम्हारा डाउन पड़ा है, इसका मतलब मैक एड्रेस में जो एंट्री है वो गलत है इस टाइम पर, तो उसको कौन फ्लश करवाता है, तुम्हारा रूट ब्रिज। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर चेंज यहाँ पर होता तो तुम्हारे रूट ब्रिज को उस चेंज का नहीं पता था कि हुआ है। तुम्हारे रूट ब्रिज को कैसे पता चलेगा, जब स्विच टू क्या भेजेगा उसे एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, और फोर भी क्या भेजेगा एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। तो रूट ब्रिज कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अपने कॉन्फिग्रेशन बीपीडी, रूट ब्रिज हर रेगुलर इंटरवल पर क्या भेजता है, कॉन्फिग्रेशन बीपीडी 2 सेकंड के बाद। उसमें जो हमारा टीसीएन फ्लैग होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो होता है, बट जब रूट ब्रिज को टीसीएन मिल जाता है तो वो उसको क्या कर देता है, वन। ये था एक केस। अगर मेरा खुद का डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक फेल हो चुका है, रूट ब्रिज का खुद का डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक फेल हुआ है, उस केस में रूट ब्रिज को अब टीसीएन की जरूरत थोड़ी है ये पता करने के लिए कि कोई चेंज हुआ है। अब रूट ब्रिज सीधा क्या भेजेगा, टीसीएन एक्नॉलेजमेंट, वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी में क्या करके भेजेगा, टीसीएन फ्लैग 1। तो उससे क्या होगा, स्विच 4 ने जो एंट्री बना रखी थी 1 पे 0 भी कितने टाइम में फ्लश कर देगा उसको, 15 सेकंड के अंदर अंदर क्या कर देगा, उसको फ्लश कर डालेगा। इतना क्लियर है? यस सर। अब ठीक है कि नहीं? अब आपस में डिस्कस मत करो, तुम क्या करते हो, तुम खुद अपना तो हमारा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बेटा गर्क है और हम सारे प्रोसेस मिला होती हैं, जो होती हैं मेरी आइडल एंट्रीज। ये वाली आइडल एंट्री का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन इनके बीच में नहीं हो रही, अगर ये कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर इनका फ्लश हो भी जाएगा तो दोबारा से एंट्री बन भी तो जाएगी ना। yes, समझ रहे हो, जो कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर एक बार एंट्री फ्लश हो भी गई दोबारा बनी जाएगी, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट। टीसीएन का मतलब समझ में आया क्या होता है और क्या होता है उससे। TCN जस्ट मीन्स कि अगर आपकी टोपोलॉजी में कोई भी चेंज हो रहा है, तो सपोज अगर कोई भी चेंज होता है टोपोलॉजी में, सारे के सारे जो भी स्विचेस होता है, जो भी वो चेंज ऑब्जर्व करते हैं, वो रूट ब्रिज को उस चेंज के लिए क्या करते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं। और रूट ब्रिज क्या करता है, तुम्हें एक्नॉलेजमेंट देता है। रूट ब्रिज क्या चाहता है कि तुम सभी अपने कैम टेबल फ्लश कर दो। क्यों फ्लश कर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस लिंक कुछ भी अगर चेंज हुआ है उसकी वजह से तुम्हारे जो कैम टेबल में एंट्री है ना, वो करप्ट हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। उनको रिमूव कराने के लिए रूट ब्रिज तुम्हें क्या भेजता है, TCN एक्नॉलेजमेंट। क्या भेजता है, TCN एक्नॉलेजमेंट। वो क्या होता है, सिर्फ अपना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी होता है ना, उसके अंदर क्या कर देता है, एक TCN फ्लैग को बंद कर देता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होता है, देख लो पहले तुम, ताकि ये तुम्हारा है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी। ये वाली बिट है ना, ये वन हो जाएगी, समझ में आ रहा है। बिट्स क्या हो जाएंगी, वन। अगर तुम्हारे पास बीपीडी ये वाली वन बिट से आएगा, इसका मतलब तुमने क्या करना है, अपने कैम टेबल को क्या करना है, फ्लश आउट करना है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली क्या रहती है, जीरो। मैं रूट ब्रिज हूँ, तुम्हें बार बार बीपीडी भेज रहा हूँ जीरो के साथ, इसका मतलब है अभी कोई चेंज नहीं हुआ। तुम्हें अपना कैम टेबल क्या रखना है, मेंटेन। जब मैंने वन वन करके भेज दिया, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें क्या करना है, अपना कैम टेबल फ्लश आउट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ये था तुम्हारा TCN। अब TCN का इश्यूज है बहुत सारे इश्यूज। देखो TCN के इश्यूज नहीं, TCN के में फायदे हैं कि टोपोलॉजी में चेंज होने के बाद मैक एड्रेस करप्शन को क्या चीज़ करती है, ये क्या करती है, अवॉइड करती है चीज़। बट क्या होता है, TCN जनरेट कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। कुछ केसेस में TCN जनरेट नहीं होना चाहिए, बट उस केस में भी क्या होता है, तुम्हारा TCN जनरेट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये लिंक है मेरा ब्लॉकिंग स्टेट में, ये लिंक है मेरा ब्लॉकिंग स्टेट में। अब देखो यहां पर मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, एक एंड यूजर। यहां पे क्या कनेक्ट कर रखा है, एंड यूजर। फॉर एग्जांपल अब आपकी स्पैनिंग ट्री जब चलती है ना, स्पैनिंग ट्री सभी पोर्ट पे चलती है। देखो जो ये पोर्ट है, जब ये वाला पोर्ट अप आएगा तो सभी पोर्ट्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट तुम्हारा क्या चलता है, स्पैनिंग ट्री। तो इस पोर्ट को आने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकेंड।
लिसनिंग में जाएगा पहले, लर्निंग में जाएगा फिर फॉरवर्डिंग में जाएगा। देखो जो रूट बिट से बीपीडीओ आता है, ये तुम्हारा क्या होगा रूट पोर्ट, ये क्या होगा तुम्हारा रूट पोर्ट, ये होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, और ये भी तुम्हारा क्या होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। यहाँ पे एंड यूजर्स कनेक्ट होते हैं, वो भी क्या होता है तुम्हारा डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब देखो किस तरह से बीपीडी फ्लो करता है, बीपीडी तुम्हारा आएगा रूट बिट से इस तरह से, आरपी पे रिसीव हुआ डेजिग्नेटेड से, इस पीसी के पास भी बीपीडी भेजा जाता है, इस पीसी के पास भी क्या भेजा जाता है बीपीडी जाता है। अब यहाँ से बीपीडी आया वो कहाँ गया सीधा यहाँ पर, और बीपीडी कहाँ पे फॉरवर्ड हुआ तुम्हारे पीसी के पास भी, क्योंकि वो पोर्ट क्या है तुम्हारा डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट से हम क्या करते हैं बीपीडी उसको आगे रिले करते हैं ना, रूट पोर्ट पे रिसीव करते हैं, डीपी से आगे क्या करते हैं रिले, इसके ऊपर बीपीडी आ रहा है। जो ये पोर्ट है ना ये स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन का पार्ट है, अगर इस पर कोई चेंज होता है इसका मतलब तुम्हारी टोपोलॉजी में क्या हुआ है चेंज, स्पैनिंग ट्री उसके ऊपर क्या परफॉर्म कर रही है कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही है। कैसे, क्योंकि पहले जब वो अप आता है उसको किस में डालती है लिस्निंग में डालती है, फिर लर्निंग में डालती है, फिर फॉरवर्डिंग में लेके आती है ना, उसके ऊपर क्या परफॉर्म करती है अपनी कैलकुलेशंस। अब फॉर एग्जांपल देखो क्या हुआ, अगर तुम्हारा एंड यूजर ने अपना सिस्टम यहाँ से क्या कर दिया शट डाउन कर दिया, तो ये लाइन प्रोटोकॉल क्या चली जाएगी डाउन, स्विच थ्री को क्या लगेगा कि ये पोर्ट भी इसकी टोपोलॉजी का पार्ट था, क्योंकि उसके ऊपर क्या सेंड कर रहा था वो बीपीडीयू और क्या हो रही थी स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन। अब ये पोर्ट पे चेंज हुआ स्विच थ्री को क्या लगेगा कि टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, तो स्विच थ्री क्या करेगा रूट ब्रिज को क्या भेज देगा एक TCN, तो रूट ब्रिज क्या करेगा एक तुम्हें क्या भेजेगा TCN एक, और तुम्हारे कैम टेबल क्या करवा देगा फ्लैश। बट देखा जाए तो पीसी के डाउन या अप जाने से मेरी स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी पे एक इफेक्ट आ रहा है, नहीं आना चाहिए था, ये गलत था ना। अगर कंप्यूटर अप एंड डाउन जा रहा है उसकी वजह से क्या मैक एड्रेस टेबल करप्शन होगी, नहीं, क्योंकि बेसिकली वो स्विच तो है नहीं है, समझ में आ रहा है ना, होस्ट तो अप और डाउन जाएंगे उसकी वजह से, इसका मतलब बार बार मेरे कैम टेबल क्या होंगे फ्लश आउट होंगे, यही होगा ना, बार बार मेरे कैम टेबल क्या हो जाएगा फ्लश आउट होगा, तो वो इशू है ना एक TCN के साथ। अब फॉर एग्जांपल देखो अगर आपकी टोपोलॉजी काफ़ी बड़ी है, अब इस स्विच के ऊपर बहुत सारे यूजर्स हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे यूजर्स हैं, और इसके ऊपर भी क्या हैं बहुत सारे यूजर्स हैं, और ये आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह से। अगर मेरा ये वाला इंटरफेस डाउन जाता है, अगर यूज़र ने सिस्टम सेट किया तो ये क्या करेगा ये स्विच क्या करेगा TCN भेजेगा यहाँ रूट ब्रिज के पास, और रूट ब्रिज देगा TCN यहाँ पे और यहाँ पे, इन सब के कैम टेबल में एंट्रीज क्या हो जाएंगी रिमूव हो जाएंगी। क्या इस चेंज का इफेक्ट किसी के स्विच के कैम टेबल पर आएगा, नहीं आएगा, बट फिर भी इसको क्या नोटिस किया गया एज ए टोपोलॉजी चेंज, क्योंकि उस पोर्ट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, अगर उसके ऊपर कोई चेंज होगा इसका मतलब वो किस में चेंज हुआ मेरी स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी में चेंज हुआ है, समझ में आया ना, उसके ऊपर मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन, अगर उस पोर्ट पे कोई चेंज हो रहा है इसका मतलब किस में चेंज हो रहा है मेरी स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी में। अगर जिस स्विच ने वो चेंज ऑब्जर्व किया वो क्या कर देगा TCN भेज देगा रूट ब्रिज को, और रूट ब्रिज क्या देगा TCN एक्नॉलेजमेंट, तो बाकी सारे स्विचेस के क्या हो जाएगा कैम टेबल फ्लश आउट, सारा फ्लश हो गया। अब इससे क्या आएगा एरर क्या आएंगे, अब देखो जब ये वाला डिवाइस डेटा फॉरवर्ड करेगा इसके पास वो क्या फॉरवर्ड करेगा यूनिकास्ट। अब डेस्टिनेशन मैक तुम्हारे स्विच को पता होगा नहीं पता होगा, तो वो क्या करेगा अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग होगी हर डेटा के लिए, मतलब कि स्विच क्या करेंगे उसके बाद कैम टेबल फ्लश होने के बाद हर डेटा को क्या करेंगे एज ए ब्रॉडकास्ट रीड करेंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग कब होगी, जब स्विच के पास एक यूनिकास्ट फ्रेम जाता है बट स्विच के पास डेस्टिनेशन मैक नहीं होता, उस केस में क्या करता है स्विच क्या करता है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी हर किसी को डिलीवर करेगा। तो इस इशू की वजह से तुम्हारे बहुत सारे क्या हो सकते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग तुम्हारे नेटवर्क में हो सकती है। इतना क्लियर हुआ, तो देखो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पोर्ट है जहाँ पे एंड होस्ट कनेक्टेड होते हैं वहाँ पे क्या चलाना पड़ता है पोर्ट फास्ट, वहाँ पे क्या चलाना पड़ता है पोर्ट फास्ट। अब पोर्ट फास्ट चलाने से ऐसा क्या होता है, देखो जहाँ पर मेरे एंड यूजर्स कनेक्टेड होते हैं ना वहाँ पे मुझे क्या चलाना पड़ता है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पोर्ट फास्ट। अब देखो ये स्विचेज हैं, स्विच वन देखो अगर मैं इसके ऊपर क्या चला देता हूँ पोर्ट फास्ट, तो इस पोर्ट के ऊपर स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करना क्या कर देती है बंद,
उसको अपनी टोपोलॉजी का पार्ट कंसिडर करना क्या कर देती है बंद। अब देखो इसको मैं अगर टोपोलॉजी का पार्ट कंसिडर करूं भी क्यों, क्योंकि देखो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किसके लिए, लेयर टू डिवाइसेस के लिए। अब उस पोर्ट के ऊपर एंड होस्ट लगा है, उसके ऊपर उस पोर्ट के ऊपर मुझे स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि देखो यहां से तो कोई बीपीडीओ आएगा ही नहीं, नहीं ना आएगा। पहली बात तो ये हुई, इसका मतलब सामने स्विच भी नहीं है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किसके लिए, लेयर टू स्विचेस के लिए, लूप अवॉइडेंस के लिए। और जो इस पोर्ट पे मेरा डिवाइस कनेक्टेड है वो स्विच तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब इस पोर्ट के ऊपर अगर मैं, बहुत कम चांसेस है कि लूप बनेंगे ही नहीं। इस पोर्ट के ऊपर लूप बनने के कोई चांसेस है नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई और स्विच कनेक्टेड ही नहीं है। क्या कनेक्टेड है, एक एंड होस्ट कनेक्टेड है। बट उस पोर्ट के ऊपर भी मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन, उसको अपनी स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन में इंक्लूड कर रहा हूँ। पहले उसको लिसनिंग स्टेट में लेके जाता हूँ, फिर लर्निंग में लेके जाता हूँ, फिर फॉरवर्डिंग में लाता हूँ। अगर उस पर कोई चेंज होता है फिर क्या जनरेट करता हूँ, TCN। अब क्या होता है कि जब तुम किसी पोर्ट के ऊपर पोर्ट फास्ट ला देते हो, वो पोर्ट क्या बन जाता है, एच पोर्ट बन जाता है। अब जितने भी एच पोर्ट होते हैं स्पैनिंग ट्री उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना क्या कर देती है, बंद। अब जो ये वाला पोर्ट है इसके ऊपर मैंने स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करनी क्या कर दी है, बंद। मतलब कि ना लिसनिंग में जाएगा ना लर्निंग में जाएगा, डायरेक्टली किस में जाएगा, फॉरवर्डिंग में जाएगा। अगर मैंने इस पोर्ट के ऊपर क्या चला दिया, पोर्ट फास्ट, तो इसके ऊपर ना लिसनिंग में जाएगा ना लर्निंग में जाएगा, डायरेक्टली किस में आएगा, फॉरवर्डिंग में। क्यों, क्योंकि तुम्हारे स्विच थ्री ने अब स्पैनिंग ट्री किसके ऊपर चला रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्ट के ऊपर और इस वाले पोर्ट के ऊपर। इसके ऊपर उसने स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करना क्या कर दिया है, बंद। क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या चला दिया, पोर्ट फास्ट, उससे क्या बन गया, एज पोर्ट। एज पोर्ट बनने से क्या हुआ कि इसके ऊपर मैंने स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया। अब देखो अगर मेरी ये लाइन डाउन जाती है, अगर मेरी लाइन प्रोटोकॉल गई है डाउन, उस केस में स्विच थ्री इसके ऊपर स्पैनिंग ट्री तो चला ही नहीं रहा, तो उस केस में स्विच थ्री इसको एज ए टोपोलॉजी चेंज नोटिस नहीं करेगा और कोई भी TCN जनरेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट, मैंने इसको पोर्ट फास्ट से लाके क्या बना दिया, एच पोर्ट। एच पोर्ट का मतलब उसके ऊपर मैं स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, मतलब कि स्विच थ्री अब इस चीज़ को स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी का पार्ट मान नहीं रहा। पहले स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी कितनी थी, जब पोर्ट फास्ट नहीं चल रहा था तो स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी तुम्हारी इसको भी क्या करके चल रही थी, इंक्लूड इस पोर्ट को भी। बट अब क्या हो चुका है, मैंने पोर्ट फास्ट चला दिया तो स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी इस पोर्ट को क्या कर चुकी है, एक्सक्लूड। कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है सिर्फ इन पोर्ट्स के लिए, इस पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो रही। ये अप आए डाउन आए कोई टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन भेजा ही नहीं जाएगा। समझ में आया पोर्ट फास्ट का मतलब क्या होता है, अगर उसके ऊपर अब कोई भी चेंज आएगा तो कोई भी TCN नहीं भेजा जाएगा। इतना क्लियर है। अगर ये पोर्ट फास्ट नहीं चल रहा, अगर PC को बंद किया तो TCN जनरेट होगा, अगर दोबारा ऑन हुआ तो अप आएगा, फिर से TCN जनरेट होगा। क्योंकि देखो जब डाउन गया वो भी एक चेंज था, जब आया अप आया वो भी एक चेंज था, तो दो बार TCN जनरेट होगा ना। एक बार जब जाते जाते कोई सिस्टम बंद कर गया तो भी TCN हुआ, टोपोलॉजी का कैम टेबल सारा क्या होगा, फ्लश। उसके बाद क्या हुआ, अप आया फिर भी टोपोलॉजी चेंज हुई और फिर क्या हो गया, तुम्हारा कैम टेबल फिर से फ्लश आउट। देखो क्या होता है, एक और चीज़ समझो, सुज्जू जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जाम्पल ये स्विच वन है और ये क्या है तुम्हारा, स्विच टू है। जब इसके ऊपर PC लगाया मैंने, इस पोर्ट को क्या कॉन्फिगर कर रखा है, पोर्ट फास्ट। तो इसका मतलब पोर्ट फास्ट इनेबल करने से यहाँ पे BPDO तो आते ही रहेंगे, BPDO बंद नहीं होंगे, BPDO भेजते रहेगा। बट क्या होगा, स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन में जो स्विचेज हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, स्विचेज उसको क्या नहीं करेंगे, स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो एक पोर्ट फास्ट इनेबल पोर्ट है, पोर्ट फास्ट इनेबल पोर्ट है, इसके ऊपर अगर मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, एक लेयर टू स्विच, अगर मैंने एक स्विच कनेक्ट कर दिया तो उससे क्या होगा, ये स्विच क्या भेजेगा, BPDO। और अगर पोर्ट फास्ट इनेबल पोर्ट के ऊपर कभी भी कोई BPDO आ जाए तो वो पोर्ट अपना पोर्ट फास्ट स्टेटस ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, छोड़ देता है। समझ में आया, जिस पोर्ट के ऊपर मैंने पोर्ट फास्ट लगा रखा है, अगर उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, तुम्हारा स्विच लगा दिया, तो BPDO भेजेगा, तो यहाँ पे BPDO हिट करेगा, तो इस पोर्ट के ऊपर उसका पोर्ट फास्ट स्टेटस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अपना पोर्ट फास्ट स्टेटस क्या कर देगा, छोड़ देगा। इतना क्लियर है, अपना पोर्ट फास्ट स्टेटस छोड़ देगा और एज ए नॉर्मल पोर्ट एक्ट करना शुरू हो जाएगा। जब पोर्ट फास्ट स्टेटस छोड़ देगा तो स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन होनी भी शुरू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, जब PC कनेक्टेड था क्या वो BPDO भेजेगा, नहीं भेजेगा, तो वो किस स्टेट में रहेगा, पोर्ट फास्ट स्टेट में रहेगा। अगर PC कनेक्ट कर दिया, अगर तुमने स्विच लगा दिया, क्या हो गया, वो BPDO भेज देगा और उसका पोर्ट फास्ट स्टेटस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्या
बट पीसी थोड़ी भेजेगा, आप भेजेगा, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। दो स्विचेस यूज करेंगे और एक राउटर यूज करेंगे, उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके ये टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, पहले मैं ये टोपोलॉजी बनाता हूँ, फिर इसके बाद बता दो प्रैक्टिकल क्या करना है इसके ऊपर। हमने पहले TCN देखते हैं जनरेट होता है कि नहीं होता। रैक ऑन है ना, बस करो भाई, क्लास के बाहर जाके डिस्कस कर लेना। ये देख लो जो कॉन्फिगर कर रहा हूँ, बाद में देखते रहोगे, बाद में जब मैं पढ़ाता हूँ बाद में। सर क्या बताया था आपने, डिस्कशन बाद में कर सकते हैं ना हम क्लास के बाहर भी।
पहले टोपोलॉजी देख लो, जो मैंने कॉन्फिगर किया वही है कि नहीं है। अब ये चीज देखो, तुम्हारा स्विच वन किससे कनेक्टेड है? स्विच टू से और राउटर टू से। स्विच वन का कौन सा पोर्ट स्विच टू से कनेक्टेड है? 1/21। और स्विच टू का कौन सा पोर्ट है? ये। और स्विच वन किससे कनेक्टेड है? राउटर टू से। और स्विच वन का कौन सा पोर्ट है जिसे राउटर टू कनेक्टेड है? 1/0/2। और सिमिलरली स्विच टू चेक करो, डू शो CDP नेबर। स्विच वन किससे कनेक्टेड है? सिर्फ और सिर्फ स्विच टू से। स्विच टू किससे कनेक्टेड है? सिर्फ और सिर्फ स्विच वन से। ये टोपोलॉजी है हमारी, यही वाली टोपोलॉजी। अब देखो इसको क्या बना देते हैं हम, रूट ब्रिज। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं राउटर का इंटरफेस शट करता हूँ तो क्या होगा? लाइन प्रोटोकॉल डाउन जाएगी ये। तो स्विच क्या भेजेगा? TCN भेजेगा किसको? स्विच टू को भेजेगा। और स्विच टू क्या देगा मुझे? TCN का एक्नॉलेजमेंट, येस और नो? बट इसके अप डाउन जाने से TCN जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये तो राउटर है, स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी का पार्ट ही नहीं है ये एक हिसाब से। बट क्या हो रहा है कि इस पोर्ट को भी जब स्विच वन क्या कर रहा है, अपनी स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन में इंक्लूड कर रहा है। अगर तुम चलो स्विच वन के ऊपर, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्पैनिंग ट्री BLN 1 प्रायोरिटी मैंने क्या कर दी उसकी 0। स्विच टू क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज। अब इसके ऊपर देखो, डू शो स्पैनिंग ट्री किया तो देखो मेरा पोर्ट नंबर जो है 21 वाला वो क्या है? मेरा रूट पोर्ट है। बट मेरा 1/0/2 वाला पोर्ट क्या है? डेजिग्नेटेड पोर्ट है। उसके ऊपर भी मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ? स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूं। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो अब एक चीज बताओ, अगर मैं राउटर का ये वाला इंटरफेस शट करूं, अगर मैं राउटर का ये वाला इंटरफेस क्या कर दूं शट, इससे क्या होगा? इसकी लाइन प्रोटोकॉल डाउन जाएगी। वो चेंज किसने ऑब्जर्व किया है? स्विच वन ने। स्विच वन ने अभी इस पोर्ट को क्या इंक्लूड कर रखा है अपने स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन में? क्यों? क्योंकि वो अभी पोर्ट फास्ट नहीं है। तो स्विच वन क्या जनरेट करेगा? TCN BPD करेगा ना। और स्विच टू क्या देगा? TCN एक्ट देगा, यस और नो? पहले ये चीज चेक करें। ऑन कर दिया। अब मैं राउटर टू पे चलता हूं, उसका इंटरफेस मैंने क्या कर दिया शट। अब लाइन प्रोटोकॉल डाउन जाएगी स्विच वन की। जैसे डाउन गई उसने देखो इमीडिएटली क्या सेंड कर दिया है, टोपोलॉजी चेंज नोटिस ऑन। कहाँ पे भेजा? 1/0/21। मतलब अपने रूट पोर्ट पे भेजा। किसको भेजा? रूट ब्रिज को। रूट पोर्ट पे क्या भेज दिया? TCN। और रूट ब्रिज ने तुम्हें क्या दिया है? एक TCN एक्नॉलेजमेंट। वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो एज ए नॉर्मल BPD आता है ना, क्योंकि वो एज ए नॉर्मल BPD आ रहा है। उसके अंदर क्या आ रहा है? वन होके सेट आ रहा था। स्पेशली अभी आपका इवेंट क्या हुआ, तुम्हारे स्विच ने क्या जनरेट किया? एक TCN। और उसे कहाँ पे सेंड किया है? 2/1/0/21। उसको TCN सेंड करना चाहिए था, अभी करेगा ही, क्योंकि अभी उस पोर्ट के ऊपर मैंने पोर्ट फास्ट इनेबल थोड़ी किया है। जब उसके ऊपर मैंने क्या इनेबल कर दिया? पोर्ट फास्ट। तो वो क्या बन जाएगा? एज पोर्ट। जब वो एज पोर्ट बन गया, उसके अप और डाउन जाने से स्विच वन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्विच वन फिर उस पोर्ट को अपनी स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन में इंक्लूड करने क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब एक काम करते हैं, मैं रूट उसको क्या लेके आता हूँ? अप, नो शट। अगर मैं नो शट करूंगा, अब स्विच वन कितना टाइम लगेगा इसको पोर्ट को लाने में? 30 सेकेंड। क्यों? क्योंकि इस पोर्ट के ऊपर मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ? स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन। जब ये पोर्ट स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा इस पोर्ट के ऊपर, तो क्या होगा? ये पहले जाएगा लिसनिंग में, फिर जाएगा लर्निंग में, फिर आएगा फॉरवर्डिंग में। ये समझ में आया? क्लियर है? अभी ये लर्निंग में गया, अभी किस में आएगा? फॉरवर्डिंग में। अभी इस पोर्ट को मैं थोड़ी देर पे के बाद क्या बनाऊंगा, इसके ऊपर क्या चला दूंगा? पोर्ट फास्ट। TCN BPD गया ना। अब देखो अप आया तो फिर से गया क्या? फॉरवर्डिंग स्टेट में। जैसे आ गया अप आया तो फिर से क्या सेंड हुआ? एक TCN फिर से गया, फिर से भेजा ना उसने TCN। जब डाउन गया तब तो गया ही गया, जब अप आया उसके आने के अप आने के बाद भी उसने क्या जनरेट किया? एक टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। अब मैंने क्या कर दी कमांड? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। इस कमांड से क्या होगा, जितने भी मेरे एक्सेस पोर्ट हैं, मतलब जहाँ पे एंड यूजर कनेक्टेड है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या इनेबल हो जाएगा? पोर्ट फास्ट।
जितने भी पोर्ट है जहां पर स्विच नहीं कनेक्टेड, कौन कनेक्टेड है, एंड यूजर, वहां पे क्या इनेबल हो जाएगा, पोर्ट पास। तुम ऐसा भी कर सकते हो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट पास इंटरफेस में भी जाके कर सकते हो और ग्लोबली भी करोगे। इससे इनेबल होगा सिर्फ एक इंटरफेस पे, डिफॉल्ट से क्या होगा, सारे एक्सेस इंटरफेस क्या बन जाएंगे, एज पोर्ट। डू शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री करते तुमने देखा कि ये वाले पोर्ट क्या बन चुके हैं, एज पोर्ट। मतलब कि अब इनके ऊपर तुम्हारा स्विच स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करने क्या कर देगा, बंद। जितने भी पोर्ट उसको दिखेंगे एज है, उसके ऊपर मैं ना उन्हें लिस्टिंग में डालूंगा ना नथिंग में डालूंगा। अगर उन पे कोई चेंज होगा तो उसको मैं स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी का चेंज कंसीडर नहीं करूंगा और कोई भी टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडी नहीं भेजूंगा, ठीक है। अब जितने भी मेरे एज बन गए हैं, अब इन पे ऊपर कोई भी चेंज होगा तो मैं उसको स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी का चेंज कंसीडर नहीं करूंगा और TCN BPDO जनरेट नहीं करूंगा। अब देखो इंटरफेस एफ, अब मैं क्या करता हूँ, राउटर 2 पे चलता हूँ और उसे क्या कर देता हूँ मैं, शट इंटरफेस एफ 0/0। अब मैंने इसको क्या किया, शट किया। जैसे शट करूंगा देखना कोई TCN BPDO जनरेट नहीं हुआ, डाउन गया, कोई TCN BPDO जनरेट हुआ नहीं, ना हुआ इस बार, क्योंकि देखो तुम्हारे स्विच वन के लिए वो जो चेंज था ना वो स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी का चेंज नहीं था। अब चला पता, क्योंकि पोर्ट पास चलाते ही स्पैनिंग ट्री ने उसे अपनी कैलकुलेशन से क्या कर दिया, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कर दिया। तो उस पोर्ट के ऊपर अगर कोई भी चेंज होगा तो उससे TCN BPDO जनरेट नहीं होगा। इतना क्लियर है? अब एक काम क्या करते हैं, उस पोर्ट को दोबारा से क्या लाते हैं अब, और अब स्विच जो ये स्विच है, जैसे वो पोर्ट अप आएगा सीधा वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्डिंग में, जंप टू फॉरवर्डिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग के लिखा आ रहा है ना। मतलब अब ये पोर्ट ना लिस्टनिंग में गया ना लर्निंग में गया, क्यों, क्योंकि मैंने अब इस पोर्ट के ऊपर स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करना ही क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब इस पोर्ट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, स्पैनिंग ट्री कैलकुलेशन परफॉर्म करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इसका मतलब मैं उसे अब लिस्टनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग में नहीं लेके जाऊंगा। इतना समझ में आया सबको, क्लियर है? तुम आज पहले दिन आए हो, फर्स्ट डे है, आई फर्स्ट डे है। तुम्हारा नाम पहले पढ़ चुके CCNP, अब समझ में आ रहा है जो चल रहा है क्लास में, कौन बोलता है समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें ज्वाइन करने के लिए वैसे तुमने पहले NP स्विचिंग पहले कर रखी है एक बार, किससे पढ़ी है, व्यू सर से, कौन सा बैच है तुम्हारा, इंटीग्रेटेड बैच, ओके। ये सबको समझ में आया, कोई क्वेश्चन इसमें से, वो तो आता है क्या, TCN तब जनरेट होगा जब स्पेशल कोई चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशन BPDO तो रूट पे हर 2 सेकंड के बाद भेजता रहेगा क्या, क्या ऑफ होता है, जैसे डाउन होगा, हाँ हाँ हाँ, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर फ्लश होगा कैम टेबल, 2 बार होगा, हाँ क्या हो जाता है, किसके ऊपर, किस चीज को दोबारा बोलो, हाँ हाँ वो नहीं करेगा, रूट ब्रिज ही करके भेजेगा हमेशा, हाँ देखो जो रूट ब्रिज ने भेजा ना वही BPDO, जो मैंने BPDO भेजे तुम उसी को फॉरवर्ड करते हो, तुम उसमें कुछ चेंज, अरे यार तुम मुझे TCN भेज रहे हो, मैं तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन BPDO भेजूंगा उसके, मैं उसके अंदर मैं BTCN बिट क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, तुम थोड़ी भेजते हो, तुम मेरे वाले ही आगे फॉरवर्ड करते हो। अरे यार मैंने तुझे BPDO दिया ना, तू मेरा BPDO आगे भेज रहा है, मैंने उसके अंदर बंद करके भेजा, तूने वही BPDO आगे फॉरवर्ड किया, अपना थोड़ी जनरेट किया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ तो तुम्हारा स्विच भेजेगा TCN किसको, रूट ब्रिज को, और रूट ब्रिज सबको क्या भेजेगा फिर, TCN एक्नॉलेजमेंट, अरे वो TCN BPDO अलग है, वो कॉन्फ़िगरेशन BPDO अलग होता है, छोटा सा BPDO होता है वो, TCN BPDO के फॉर्मेट में इस BPDO के फॉर्मेट में फ़र्क होता थोड़ा, ठीक है। चला पता क्या होता है, TCN BPDO कब जनरेट होगा, चेंज होगा, तो कौन भेजेगा TCN BPDO,
कौन भेजेगा? रूट ब्रिज भेजेगा। कौन भेजेगा? रूट ब्रिज भेजेगा। टीसीएन भेजेगा तोरा को, तुम्हारा कोई और स्विच जिसके ऊपर चेंज हुआ है, इसने जनरेट किया टीसीएन, वो क्या देगा तुम्हें? टीसीएन एक्ट। जब ये टीसीएन एक्ट देगा, स्विच वाला अपना कैम टेबल क्या कर देगा? एम्प्टी। अब देखो एक और तरीके से तुम ये चीज चेक कर सकते हो, अब राउटर वन भी किससे कनेक्टेड है तुम्हारे? स्विच वन के साथ। अब स्विच वन के साथ, स्विच वन के साथ कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है? स्विच टू, राउटर वन और राउटर टू। अब देखो एक प्रैक्टिकल तुम्हें मैं मैक एड्रेस वाला भी करके दिखा देता हूँ। ये कौन है तुम्हारा? राउटर वन है। ये कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है? इसके ऊपर। एक और इंटरफेस पे कौन कनेक्टेड है तुम्हारा? राउटर टू। यहाँ पे कौन सा इंटरफेस है? ठीक है। अब स्विच वन ने 1/0/1 पे किसका मैक एड्रेस लर्न कर रखा है? राउटर वन का। और 1/0/2 पे किसका लर्न कर रखा है? राउटर टू का। ठीक है इतना। अब देखो क्या होगा अगर मैं इस इंटरफेस को शट करता हूं, तो तुम्हारा राउटर क्या जनरेट करेगा? टीसीएन। स्विच क्या देगा? टीसीएन एक्नॉलेजमेंट। तो इसका मैक एड्रेस क्या हो जाएगा फिर? फ्लश होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? दोबारा से देखो, तुम्हारे राउटर, तुम्हारे स्विच वन ने अपने इंटरफेस 1/0/1 पे किसका मैक एड्रेस लर्न कर रखा है? राउटर वन का। और 1/0/2 पे किसका मैक एड्रेस लर्न कर रखा है? राउटर टू का। ठीक है। अगर राउटर टू का ये वाला इंटरफेस मैं डाउन भेजता हूँ, तो क्या होगा? ये लाइन प्रोटोकॉल डाउन जाएगी। तुम्हारा स्विच क्या भेजेगा? टीसीएन। स्विच टू का भेजेगा टीसीएन एक्नॉलेजमेंट। और राउटर टू का, जो राउटर वन का मैक एड्रेस लर्न होगा यहाँ पे, वो 15 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा? फ्लश होगा कि नहीं होगा? अब ये भी चीज चेक कर लेते हैं हम। Show Mac address table dynamic। देखो पोर्ट नंबर 1 पे मैंने किसका मैक एड्रेस लर्न कर रखा है? राउटर 1 का। 2 पे किसका लर्न कर रखा है? राउटर 2 का। अब मैं क्या करता हूँ, मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम मैंने कितना कर दिया? काफी ज्यादा कर दिया। मतलब कि अब मेरा मैक एड्रेस टेबल जल्दी एज आउट नहीं होगा, अपने आप नहीं खत्म होगा। 300 सेकंड के बाद वैसे खत्म हो जाता है ना, तो वो खत्म नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, नो स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट कर दिया, और इंटरफेस एफ 1/0/2 पे नो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बंद कर दिया सब पे पोर्ट फास्ट। टू शो स्पैनिंग ट्री, अब कोई भी पोर्ट मेरा एज पोर्ट नहीं है। अब इससे क्या होगा, जब मेरा ये वाला लिंक डाउन जाएगा, क्या जनरेट होगा? टीसीएन। और 15 सेकंड के अंदर ये वाला मैक एड्रेस क्या हो जाएगा? फ्लश हो जाएगा ना। अब देखो अभी तक एंट्री मेंटेन है ना। अब देखो हो गया फ्लश आउट, हो गया ना। वाइप आउट हो गया ना, क्योंकि इंटरफेस वो शट हुआ। इंटरफेस मैंने कौन सा शट किया? टू वाला।
बट वन का मैक एड्रेस क्यों गया? क्योंकि मैंने जैसे TCN भेजा, सामने वाले ने मुझे क्या दिया? TCN का एक्नॉलेजमेंट, और मेरे कैम टेबल से एंट्री क्या हो गई? वो फ्लश आउट। ये समझ में आया कि TCN भेजने से क्या होता है? जैसे मैंने TCN, मुझे तुम TCN भेजते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? TCN एक्नॉलेजमेंट, उसमें तुम्हारा टपोलॉजी चेंज बिट को मैं क्या कर दूंगा? वन। जब तुम्हें वो BPD मिलेगा, तुम क्या करोगे? अपने कैम टेबल्स को फ्लश आउट कर दोगे। कितने टाइम के अंदर? 15 सेकंड्स के अंदर तुम्हारे कैम टेबल क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब मेरा राउटर वन है, एंड होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। उसके डाउन जाने से राउटर वन का मैक एड्रेस फ्री में क्या हो गया? खत्म, रिमूव हो गया ना। इतना समझ में आया? डाउन मेरा कौन सा गया? राउटर टू। उसके डाउन जाने से राउटर वन का मैक एड्रेस फ्लश आउट नहीं होना चाहिए था, वो भी क्या हो गया? फ्लश आउट। क्यों? क्योंकि एंड होस्ट डाउन गया तो उसने क्या जनरेट किया? TCN, और सामने वाले ने मुझे क्या दी? TCN एक्नॉलेजमेंट, और मेरे कैम टेबल से वो एंट्री क्या हो गई? फ्लश। ये समझ में आया टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन क्यों काम करता है? अगर यही मैंने क्या किया होता, पोर्ट फास्ट ऑन होता, तो राउटर टू अगर डाउन जाता तो राउटर वन का मैक एड्रेस फ्लश नहीं होता, क्योंकि ना TCN जाता और ना ही क्या आता? TCN का एक्नॉलेजमेंट। ये सब लो, अब स्विच वन चेक करो। अब एक काम क्या करता हूँ, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, इससे क्या होगा? सारे के सारे पोर्ट जहाँ पे एंड यूजर्स कनेक्टेड है, जो कौन से मोड में होंगे? एक्सेस मोड में, सबके ऊपर क्या इनेबल हो जाएगा? तुम्हारा पोर्ट फास्ट। एच बन चुके ना सारे के सारे। अब एक काम क्या करते हैं, राउटर टू को अपलाते हैं। मैक एड्रेस टेबल में देखो, वन की एंट्री आ गई है। राउटर का मैंने स्विच का शटडाउन किया था कि राउटर का? स्विच का किया था ना। देखो, अब राउटर वन की एंट्री बनी हुई है ना मेरे कैम टेबल में। राउटर, सभी राउटर्स की एंट्री आ गई। अब मैं क्या करता हूँ देखो, मैं किसके ऊपर हूँ? स्विच वन के ऊपर हूँ। अब एक चीज देखना ध्यान से, इसको शट किया, स्विच वन पे गया, टू की एंट्री गई, वन की एंट्री गई, ना TCN गया ना TCN की एक्नॉलेजमेंट आई। अब देखो, टू की एंट्री तो जाएगी जाएगी, क्योंकि देखो अगर मेरे किसी, अगर मेरा कोई पोर्ट डाउन जाता है, लाइन डाउन जाती है, तो वहाँ पे मैंने मैक एड्रेस लर्न कर रखा होता है, वो तो मैं वैसे रिमूव कर देता हूँ। पिछले केस में क्या हुआ, जब वो वाला लाइन मेरी डाउन गई, उससे क्या हुआ, ये कैम्प टेबल भी, ये भी एंट्री क्या हो गई? फ्लश आउट। क्यों? क्योंकि मैंने TCN भेजा और मुझे क्या आया? TCN एक्नॉलेजमेंट। अब सभी पोर्ट के ऊपर क्या चल रहा है? पोर्ट फास्ट। अगर दूसरे वाली मेरी लाइन डाउन गई है, दूसरी वाली अगर मेरी लाइन डाउन गई, उस केस में तुम्हारे स्विच ने क्या जनरेट नहीं किया? TCN जनरेट नहीं करेगा, TCN का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, तो कैम टेबल में एंट्रीज है वो फ्लश आउट नहीं होगी, वो फ्लश आउट नहीं होगी। अब फिर से देखो, नो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। अब इसको क्या करता हूँ मैं, नो शर्ट। अब देखो, जब ये पोर्ट अप आएगा तो क्या होगा, फिर से कैम टेबल एंट्री जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर से क्या जनरेट होगा? TCN। अभी तक वन की एंट्री है। देखो, जैसे वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा, उससे पहले वो क्या भेज देगा? एक TCN, और मेरी वन की एंट्री क्या हो जाएगी? फ्लश आउट।
हुई फ्लश आउट, दिखी वन की गई, गई ना एंट्री। टू का तो लर्न हो गया, बट वन वाला क्या हो गया? फ्लश हो गया। 15 सेकंड के बाद क्या हो गया? वो फ्लश आउट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? जब दूसरे वाला पोर्ट अप आया, उसने टीसीएन जनरेट किया, बट जो एंट्री मेरी खाली पड़ी थी, आइडल पड़ी थी वन वाली, वो उसने क्या कर दी? फ्लश आउट कर दी कि नहीं? उस यूजर का मैक एड्रेस क्या हो गया? फ्लश हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे अप आया, इसने जनरेट किया टीसीएन। जब इसने टीसीएन जनरेट किया, तो सामने वाले ने क्या दिया? एक्नॉलेजमेंट। और 15 सेकंड के बाद हमारा डिवाइस क्या हो गया? इसी चीज क्या हो गई? मैक एड्रेस क्या हो गया? फ्लश आउट। ये समझ में आया टीसीएन से क्या होता है? ये क्लियर है इतना? आ गया समझ में पीछे सबको? ये कोई डाउट अब तक इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पोर्ट पास से दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा ये मिलता है कि देखो, हमारे जब एंड यूजर्स अप एंड डाउन जाते हैं, इनकी लाइन प्रोटोकॉल अप और डाउन जाती है, तो हमारा डिवाइस जो स्विच होता है, टीसीएन बीपीडीयू जनरेट नहीं करता। अगर हमारे एंड होस्ट अप और डाउन जाते हैं, तो हमारा डिवाइस जो होता है, वो टीसीएन बीपीडीयू जनरेट करने क्या कर देता है? बंद। इट डोंट जनरेट टीसीएन बीपीडीयू। और फायदा क्या होता है देखो, अगर नॉर्मल होस्ट कनेक्ट करता है तुम्हारे सिस्टम के साथ, उसको कितना डिले मिलता है? 30 सेकंड डिले मिलता है। नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए उसको 30 सेकंड किस वेट करना पड़ता है ना। अगर पोर्ट के ऊपर पोर्ट फास्ट चला रहा है, तो सीधा का सीधा वो पोर्ट किस मोड में रहेगा? फॉरवर्डिंग मोड में। सीधा ही किस में आएगा? फॉरवर्डिंग में। और कोई भी डिले आएगा, कोई भी डिले नहीं ना मिलेगा अब उसको। ये क्लियर है इतना? टीसीएन बीपीडीयू क्लियर है क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और पोर्ट फास्ट सबको? इतना बहुत है आज के। सेशन नंबर एक बस। अब देखो मैंने क्या किया, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, कमांड शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस F1/0/1 पोर्ट फास्ट। उसके ऊपर पोर्ट फास्ट क्या है? इनेबल्ड है। पोर्ट फास्ट क्या है उसके ऊपर? इनेबल्ड है। कौन से पोर्ट के ऊपर? 1/0/1 शो स्पैनिंग ट्री। शो स्पैनिंग ट्री में तुम्हें क्या पता चलेगा? 1/0/ क्या है? अभी एज है, क्योंकि अभी वहां पर कोई भी बीपीडीयू नहीं गया। उस पोर्ट के ऊपर अगर कोई भी बीपीडीयू रिसीव हो जाता है, तो क्या होगा? तो पोर्ट अपना पोर्ट फास्ट स्टेटस क्या कर देगा? छोड़ देगा। वो अपना पोर्ट क्या करेगा? पोर्ट फास्ट स्टेटस को छोड़ देगा। अब देखो, अगर मैं करता हूं शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस F1/0/1 डिटेल, अगर तुम डिटेल देखो, तो इस पोर्ट पे मैंने अभी तक बीपीडीयू सेंड कितने किए हैं? रिसीव किया कोई? नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या कनेक्टेड है? हमारा एंड होस्ट कनेक्टेड है। यहाँ से कभी मेरे पास बीपीडीयू आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब पोर्ट फास्ट रोल मेरा यहाँ पर कभी लूज होगा ही नहीं। हमेशा ये पोर्ट पोर्ट फास्ट में रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर बीपीडीयू आएगा ही नहीं, तो पोर्ट का स्टेटस क्या रहेगा? ऑब्वियसली बात है, क्या रहेगा? हमेशा पोर्ट फास्ट। अब मैं क्या करूँगा, राउटर से जनरेट करवाऊँगा बीपीडीयू। R1 पे गए, R1 देखो जो राउटर्स होते हैं, इनके ऊपर भी तुम स्पैनिंग ट्री वगैरह सब चल जाता है। तो बेसिकली ब्रिज, अब मैंने इसके ऊपर क्या इनेबल करने वाला हूँ? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इससे क्या जनरेट करवाऊंगा? बीपीडीयू। इनेबल कर दिया, अब स्विच वन के उस पोर्ट पे आएगा बीपीडीयू। रिसीव हुआ? देखो, हुआ कि नहीं हुआ? रिसीव मिल गया ना बीपीडीयू। हो गया डिसेबल। देखो मैं जितना मैक्स टू मैक्स डिटेल में बता सकता हूँ ना तुम्हें चीजें, उतनी मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा बता पाना पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर है? जितनी डिटेल में तुम्हें ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली हर एक चीज़, इससे ज़्यादा डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को तुम ध्यान से समझो, इनकी वैल्यू को समझो, क्या बता रहा हूँ तुम्हें। हर एक चीज़ हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं बोलता हूँ ना, वो मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे कर रहा हूँ। तो तुम क्लास में थोड़ा सा ना प्रैक्टिस भी किया करो, वापस जाके घर, यहाँ से बाहर जाते हो ना क्लास के बाहर, डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस भी रखो। अदरवाइज़ क्या होगा, तुम ये चीज़ें थोड़े दिनों में भूल जाओगे, और भूल जाओगे उसमें क्या होगा? तुम्हारा लॉस। ये क्लियर है? अब बीपीडीयू रिसीव हुआ, तो उसने क्या कर दिया? अपना पोर्ट फास्ट वाला रोल क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब देखो शो स्पैनिंग ट्री, और वो पोर्ट क्या बन चुका है? नॉन एज पोर्ट। समझ में आया? अगर अभी मैंने बीपीडीयू किससे जनरेट करवाया? तुम्हारे राउटर से। अगर इस पोर्ट पे क्या लगा देता? एक स्विच लगाता, स्विच बाय डिफॉल्ट क्या जनरेट करता? बीपीडीयू। जैसे ही बीपीडीयू हिट करता स्पोर्ट के ऊपर, तो क्या होता?
बस पोर्ट पास रोज चला जाता, तो मतलब कि ये तुम्हारे iOS पे ऑटोमेटिकली है कि पोर्ट पास वहीं पे चलेगा जहाँ पे BPDU नहीं आएगा, और BPDU कहाँ से नहीं आता, जहाँ पर क्या लगे होंगे कंप्यूटर, तो जहाँ पर अगर वहाँ पर तुमने कंप्यूटर अनप्लग करके स्विच प्लग इन कर दिया तो उस केस में क्या होगा, वो पोर्ट पास रोल ही अपना छोड़ देगा। यस और नो शो स्पैनिंग ट्री, अगर इसकी तुम चेक करो डिटेल, 44 BPDU उसने भेज भी दिए, देख लो स्पीड उसकी कितनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ उसका ब्रिज ग्रुप कर देता हूँ रिमूव। ये तुम्हें बता दूंगा कि राउटर के ऊपर स्पैनिंग ट्री कैसे होता है, कैसे चला सकते हैं, कैसे नहीं, इसकी मैं मतलब कि कमांड अभी तुमने देखी है, बट मैं बता दूंगा मतलब क्या होता है और किस तरह से हम राउटर से भी क्या जनरेट करवा सकते हैं BPDU। ठीक है, ये तुम्हें बता दूंगा कमांड लाइन क्या है इसकी, किस तरह से काम करेगी, क्या होगा क्या नहीं, बट फिलहाल आप इतना समझिए। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट वगैरह है अब तक? तुम्हें पता राउटर रूट ब्रिज बन चुका था, राउटर था ना वो रूट ब्रिज बन चुका था तुम्हारी टोपोलॉजी का। अब BPDU रिसीव होने क्या हो जाएंगे बंद, आ रहा है अब कोई? पोर्ट फास्ट डिसेबल ही रहेगा, तो मैं उसके ऊपर बाद में फिर से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पोर्ट फास्ट रीएनेबल, ऑटोमेटिकली रीएनेबल नहीं होता। अगर एक बार पोर्ट फास्ट स्टेट चली गई उसके बाद दोबारा से तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर, मैनुअली पोर्ट फास्ट रीएनेबल, दोबारा से कमांड दे दो ग्लोबल में स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, एग्जिट करो। ओके, इंटरफेस के अंदर जाके चलाना पड़ेगा। क्या हो रहा है, शो शो नहीं लगा रहा था, अभी इनेबल हो चुका है, तो मैंने मैन्युअली इंटरफेस के अंदर जाके क्या करना पड़ा उसको रीनेबल। क्लियर है सबको पीछे? ये डिसेबल करने के बाद मतलब डिफॉल्ट से काम नहीं चलेगा फिर इंटरफेस लेवल पे, अभी हमने देख ही लिया वो नहीं चल रहा ना, तो दोबारा मुझे स्पेसिफिकली उस इंटरफेस में एंटर करके उस पोर्ट के ऊपर क्या इनेबल करना पड़ा तुम्हारा पोर्ट फास्ट। एक चीज देखो यार, तुम्हारी क्लास को हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे स्पैनिंग ट्री कस्टमाइजेशन के, स्पैनिंग ट्री कस्टमाइजेशन के टॉपिक क्या है, सबसे पहले देखो स्पैनिंग ट्री कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि मेरी स्पैनिंग ट्री नॉर्मली इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जिससे मैं अपनी टोपोलॉजी को क्या कर सकता हूँ कस्टमाइज। कस्टमाइज़ करने का क्या मतलब है कि बेसिकली मैं उसको ट्यून कर दूंगा अपने अकॉर्डिंगली, इंप्रूव कर दूंगा, समझ पा रहे हैं? स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट, अगर तुम बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री चलाते हो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ कस्टमाइज़ ट्यून कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ फीचर। अब तुम्हारा पोर्ट फास्ट भी एक कस्टमाइजेशन टेक्निक थी, मैंने उसको ट्यून किया ना बेसिकली, उससे क्या मुझे फ़ायदा मिला, TCN जनरेट होने बंद हो गए और एंड यूज़र को फॉरवर्डिंग मिल गई इमीडिएटली, एंड यूज़र को फॉरवर्डिंग मिल गई इमीडिएटली, TCN जनरेट होना बंद हो गए, मतलब कि जो इशू था उसको मैंने क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया। स्पैनिंग ट्री कस्टमाइजेशन, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी हमारी पोर्ट फास्ट, सेकंड चीज क्या होगी हमारी अपलिंक फास्ट, थर्ड चीज क्या होगी हमारी बैकबोन फास्ट। कस्टमाइजेशन में हम और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ट्यूनिंग जैसे कॉस्ट को चेंज कर सकते हो, तो हमने कल ही देख लिया था कॉस्ट चेंज करके हम क्या कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अब ट्यून किसको कर सकते हैं, हम टाइमर्स को। बाय डिफॉल्ट अगर मेरा पोर्ट लिसनिंग लर्निंग में जाता है तो देखो क्या हुआ, जहाँ पर मेरे एंड यूज़र कनेक्टेड हैं वो पोर्ट तो मैंने सारे क्या कर दिए एज बना दिए, जहाँ पर मेरे कौन से यूज़र कनेक्टेड हैं एंड यूज़र, उन सभी पोर्ट पे मैंने क्या चला दिया पोर्ट फास्ट, और वो क्या बन गए एज पोर्ट्स,
एज पोर्ट बनने का मतलब उनके ऊपर स्पैन एंट्री कैलकुलेशन बंद हो गई, अप डाउन जाएंगे, ऑन द स्पॉट फॉरवर्डिंग में आ गए। बट अगर जो मेरे स्विचेस के बीच के लिंक हैं वो अप डाउन जाएंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे ना, 30 सेकंड लगेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये स्विच है और ये स्विच है, अगर ये यूज़र है, अगर इसके ऊपर पोर्ट फास्ट अलर्ट डाउन गया इमीडिएटली क्या आ जाएगा, अप आ जाएगा। बट अगर ये लिंक डाउन गया अप आया कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड। अब देखो अगर ये एक सेकंड में अप आ भी गया तो बट जो इसको 30 सेकंड लग रहे हैं तो इसकी फॉरवर्डिंग तो डिले रहेगी रहेगी, समझ पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल देखो अगर ये टोपोलॉजी है तुम्हारी, यहाँ पर एक और यूज़र है, मैं अगर डेटा फॉरवर्डिंग कराता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा फॉरवर्डिंग हो रही है इस लिंक के थ्रू। अब देखो ये वाले लिंक अगर अप डाउन जाएंगे इमीडिएटली अप आ गए, बट ये वाला लिंक कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है ना अप डाउन जाएगा, तो इनको तो उतना ही टाइम लगेगा फॉरवर्डिंग करवाने में एक दूसरे से, यस और नो, उनका टाइम तो उतना ही लगेगा क्योंकि बीच वाला लिंक कितने टाइम में कन्वर्ज हो रहा है, 30 सेकंड में। तो मैं मैनुअली क्या कर सकता हूँ, हेलो टाइम क्या कर सकता हूँ 1 सेकंड, और फॉरवर्ड डिले मैं कितना कर सकता हूँ 4 सेकंड। 4 सेकंड का मतलब 4 + 4 = 8 सेकंड। जो लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग में मेरा टाइम कितना लग रहा था 30 सेकंड, उसको मैं मैनुअली कम करके कितना कर सकता हूँ, क्योंकि दो स्विचेस की टोपोलॉजी है तो दो स्विचेस की टोपोलॉजी में मैनुअली क्या कर सकता हूँ, हेलो टाइम भी कम कर सकता हूँ, फॉरवर्ड डिले भी कम कर सकता हूँ, और मैक्स स्विच भी क्या कर सकता हूँ कम। जहाँ पे मुझे टाइम लग रहा था कितना, अब कितना लगेगा, 8 सेकंड्स लगेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। जहाँ पे पहले मुझे लिसनिंग लर्निंग में कितना लग रहा था 15, मुझे लिसनिंग लर्निंग में कितना लगेंगे 4 सेकंड। क्लियर है, इससे तुम्हारी स्पैनिंग ट्री की फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बट देखो टाइमर हम चेंज किसके ऊपर करते हैं, हम टाइमर हमेशा चेंज करते हैं रूट ब्रिज पे, क्योंकि रूट ब्रिज क्या करता है, बीपीडब्ल्यू में टाइमर भी एडवर्टाइज करता है। जब मैं तुम्हें बीपीडब्ल्यू भेजूंगा ना, मैं तुम्हें टाइमर मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा। देखो सपोज अगर तो इसके ऊपर टाइमर कॉन्फिगर्ड है, हेलो टाइम 1 सेकंड हो, फॉरवर्ड डिले 4 सेकंड और मैक्स से 6 सेकंड, तो वो इफेक्ट में थोड़ी आएगा क्योंकि ये रूट ब्रिज ही नहीं है। कब इफेक्ट में आएगा, जब ये क्या बनेगा, रूट ब्रिज। तो हम टाइमर कभी भी चेंज करते हैं किसके ऊपर करते हैं, रूट ब्रिज के ऊपर। जब रूट ब्रिज के ऊपर तुम टाइमर चेंज करोगे इफेक्ट में टाइमर आएंगे तभी, उससे पहले तुम्हारे टाइमर्स इफेक्ट में नहीं आते। इतना समझ है, इतना समझ में आ रहा है। नॉर्मली तुम्हारे टाइमर किस पे इफेक्ट आएंगे, किस डिवाइस पे इफेक्ट में आएंगे, जो क्या होगा हमारा रूट ब्रिज। अब इस चीज़ को तुम चेक करो ध्यान से, हमारा स्विच 2 है, अभी क्या है टोपोलॉजी का, रूट ब्रिज है, डू शो स्पैनिंग ट्री V1। मैं रूट ब्रिज हूँ और मेरे टाइमर कितने हैं, 2 सेकंड, मैक्स 20 सेकंड, फॉरवर्ड डिले 15 सेकंड। मैंने क्या किया, स्पैनिंग ट्री क्या कमांड है टाइमर्स की, हेलो टाइम कितना कर दिया 1 सेकंड, फॉरवर्ड टाइम बेसिकली मिनिमम 4 सेकंड है। ये मैं एक चीज़ का सेट कर रहा हूँ, या लिसनिंग का या लर्निंग का, ये मैंने सेट कर दिया 4 सेकंड। उसके बाद मैंने क्या किया, स्पैनिंग ट्री V1 मैक्सिमम एज कितनी कर सकता, मिनिमम 6 सेकंड। अब मैंने ये चीज़ किसके ऊपर सेट की है, रूट ब्रिज के ऊपर। अब देखो रूट ब्रिज के ऊपर मैंने टाइमर सेट कर दिया, शो स्पैनिंग ट्री। अभी क्या बता रहा है कि ये स्विच रूट ब्रिज है, अब ये है इसके ऊपर कॉन्फिगर टाइमर और ये है जो कौन यूज कर रहा है तुम्हारा रूट ब्रिज। अब ये स्विच कौन है, रूट ब्रिज है, तो इसी के टाइमर रूट शो करेगा। बट अगर तुम जाओगे स्विच 1 के ऊपर तो देखो क्या होगा, शो स्पैनिंग ट्री। इसमें देखो जो रूट ब्रिज के टाइमर हैं वो कितने आ रहे हैं, इतने, और उसके खुद के लोकल टाइमर कितने आ रहे हैं, जो पहले वाले थे। तो अब ये स्विच टाइमर किसके यूज करेगा, अपने नहीं, किसके, रूट ब्रिज के। अब देखो इंटरफेस F1/0/21 को अगर मैं क्या करता हूँ, शट करता हूँ। अब उसको मैंने क्या कर दिया, नो शट किया। बड़ी जल्दी फॉरवर्डिंग में आ गया। एक और लिंक एक्टिव करता हूँ। अब सपोज करो एक और लिंक एक्टिव करना है, क्यों, पोर्ट फास्ट डिसेबल कर देता हूँ। अब देखो
राउटर टू पे गए, अब राउटर टू वाले पोर्ट पे पोर्ट पास नहीं चल रहा, तो अब अगर इसको मैं शट करूंगा नो शट करूंगा कितने टाइम में आप आता नॉर्मल 30 सेकंड में, अब कितने में आएगा 8 सेकंड में, क्योंकि तुम्हारा स्विच टू किसके टाइमर यूज करेगा रूट ब्रिज के, ठीक है। पोर्ट अप आया, फॉरवर्डिंग कितना टाइम लगा, लिसनिंग में गया वो 4 सेकंड पे, लर्निंग में आया वो 8 सेकंड पे, फॉरवर्डिंग में आ गया वो 12 सेकंड पे, चला पता। अगर ये टाइमर तुमने इस वाले स्विच पे चेंज किए होते, रूट ब्रिज पे डाला किए होते, तो फिर ये वाले टाइमर तुम्हारे इफेक्ट में नहीं आते, चला पता। जो टाइमर रूट ब्रिज रन कर रहा है वही टाइमर तुम्हारे क्या आएंगे इफेक्ट में, इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट अब तक? बहुत है इतना आज के लिए ना, इसके बाद फिर ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। इसमें सिर्फ फॉरवर्डिंग के चार होते हैं क्या? आठ ही ले रहे हैं।